औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपना देश नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं सुनम मेज़बान रहीम शौकत। तो इस टाइम मैं मौजूद हाँ जामिया मदनी मस्जिद इसर जड़ी बामंगा हाँ होटल नाल है। तो माशाल्लाह मैं खराज अकीदत पेश करना सवाब फाउंडेशन प्लाक जरा बड़ा अच्छा फलाई अदारा वै इन्ना सनराइजर गेट बनवाया लोगों ने मदद वास्तव कि कुछ करोना अलग है। तो तुसा के सनराइजर करने तो जुले अंदर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? नन्हे बच्चे अस्सलाम वालेकुम सारे चाचा नाली चाचा जी पति साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह मैं तकिया के सवाब नेशन आलियां बड़ा खराज अकीदत पेश करने के ना लोगों ने कोरोना वायरस तो बचाओ वास्ते जरा इन्ना गेट लाया, तो तुसा कोई पैगाम देना चाहते हो? बहुत अच्छा काम किया तो माशाल्लाह असा भी तुसा की खराज पेश करने के जिस तरह तुसा होए के तुसानी पूरी फैमिली मोहल्ले आले इलाके आले लोग तावन करने। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ सारी दुआ है अल्लाह ताला इस मस्जिद की आबाद रखूँ दे जरा वबाए कोरोना वायरस है जुमे ने सदके अल्लाह ताला इस महफूज रखो। तो तुसा अगर कोई पैगाम देना चाहते हो? आमीन। तो ये चाचा बरकत सुन तो ये इन्होंने बेटे फैसल तो भाई अमृत साहब सुना कोई पैगाम पहले सब मुबारक पेश करने उसके बाद दुआ करें कम किया मैं बहुत तफरी है और बच्चों का कम करें सारी सेफ्टी सब सेफ्टी करी है सारा जो सवाल सही असलाम देना सारे अल्लाह ने और तफरी किया कि और सारे बच्चों का कम करें लेकिन कम करने कोई बड़ा कोई आमीन जी अल्लाह ताला बकायदा तक सकने के फलाई अदारे सारे जितने भी हैं बकायदा नशनात लगाए मैंने कि तुसा वक्फे ना जरा नमाज पढ़ो। तो असं भी उम्मीद करने हैं कि जितने भी लोग कर सुन एस ओ पी ने तक जरा ना इसने पर अमल कर सुन क्योंकि ये उलमा इकराम सारे जितने भी मुफ्ती आजम न सारे मुजद्दद जितने भी हैं मुहद्दिसीन बड़े बड़े उलमा इकराम उन्होंने भी हुक्म दिता कि तुसा जरा ना एहतियात रखी के नमाज अदा करो। तो हूँ नमाज अदा करने तो नमाज तो बाद तुसा ना मिले अंसारी के घर जाते हैं वो बीमार है उसकी आदत करने के लिए जाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम के साथ हैं हम जब हम उस अंसारी के घर पहुंचते हैं हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंसारी अपने गुनाहों की मगफरत तलब कर दो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा कर दो। वो अंसारी बिल्कुल मौत के करीब था अपने गुनाहों की तौबा कर दो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मगफरत फरमाएगा। वो अंसारी उसकी जबान नहीं चलती लेकिन अपनी निगाहों को अर्श की तरफ कर देता है अपने आंखों को अर्श की तरफ बंद करता है और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई कि अभी जिब्रील अमीन आए थे। आपने फरमाया कि जिब्रील अमीन आकर खुशखबरी सुना रहे थे कि जब इसने अपनी आंखों को अपने दिल में सिर्फ ये शर्मिंदा होता है इसकी जबान हरकत नहीं करती सिर्फ दिल ही में शर्मिंदा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों की माफ़रत फरमा देता है। इकदमात सवाब फाउंडेशन वाले ने असा भी अपील करने हैं जेडे मुस्तहिक लोग न जेडे फलाई अदारे मदद करने ते ओ इस इये जे अदारे मदद करनी चाहिए जेडे लोगों वास्ते जी सर्विस मुहैया करने।
ते जेड़ी भी सारी भी कोशिश है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ तुसां भी सवा फाउंडेशन दा नंबर भी हैन इन्हां राबता करो ते जितना तुसां होई सकना इन्हां की फंड दियो ते जिस तरह के मजीद अच्छे तो अच्छा कम करो ते इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द एक नई वीडियो में मिलसा। तब तक फी अमान अल्लाह।